सो ये बात काठमांडू के लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इंडिया के फेमस गोलगप्पे बैन है। पर ये इकलौते बदनसीब नहीं है जिनकी जबान को इंडिया का स्वाद चखने से रोका गया। नो, जिसकी खुशबू के साथ 64% ऑफ इंडिया के दिन की शुरुआत होती है और बिना जिसके सबका दिन अधूरा अधूरा सा लगता है, वो चाय। उसके मजे लेने से भी एक देश की जनता को रोका जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं रोकने से कोई कहां रुकता है। तभी तो यूएई में पान जिस पर चूना कथा लगा के इंडिया के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में लोग उसे खाते नहीं थके, उसे बैन करने के बावजूद वहां इसका मार्केट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी 2 साल पहले वहां 235 किलो 200 ग्राम पान का इलीगल स्टॉक पकड़ा गया था। पर जरा सोचो कि जहां इंडिया वालों को पान इतना पसंद है कि आधा इंडिया शादी ब्याह जैसे फंक्शन में इसी से भारतीयों का स्वागत करता है, वहीं यूएई ने इसे बैन क्यों कर दिया? क्या उन्हें इसकी वॉल पेंटिंग्स पसंद नहीं आई या बात कुछ और है? जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, पान। अमिताभ बच्चन कह गए जमाने से, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। और बस ले लिया लोगों ने उनके दिमाग का ताला खोलने वाली बात को सीरियसली, इतना कि आज आपको इंडिया के हर गली हर रास्ते में पान पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जहां एक तरफ ना तो इंडिया उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है और ना ही पान के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर जैसे मैंने बताया यूएई में पान के सेल और इम्पोर्ट पर स्ट्रिक्ट बैन है, और ये बैन उन्होंने आज से नहीं सन 1996 से लगाया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। तो बस आदत से मजबूर लोग जिनकी पान की तलब जाती नहीं, उनका फायदा उठाने के लिए इसका इलीगल बिजनेस यूएई में तब से लेकर अब तक बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो वहाँ ऐसे सीजिंग होती रहती है। और अगर हम बात करें कि वहाँ पान बैन क्यों है, तो देखो यूएई की ज्यादातर सिटीज जैसे दुबई, रास अल खैमा और अबू धाबी, ये अपने टूरिज्म के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में अगर वहाँ हर दूसरी दीवार पान से रंगी होगी तो वहाँ के नजारों को नजर लग जाएगी। साथ ही ये बात भी गौर करने वाली है कि नंबर 2, कटिंग चाय। बारिश में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म चाय की प्याली, सोचते ही होठों पर सुकून वाली मुस्कान आ गई ना। पर अब ये सोचो कोई आपसे ये सुकून का पल छीन ले तो? बस यही महसूस किया होगा पाकिस्तान की आवाम ने जब पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने लोगों से उनके चाय पीने का हक को खुद ही छोड़ देने के लिए कहा। ये देखो, मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां काम कर दें। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वो भी आप इनकी जुबानी सुन लो। क्योंकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर, और हालांकि ये चाय पर बैन नहीं लगा रहे हैं, पर लोगों से इस तरह चाय छोड़ने को कहना, उन्हें मजबूर करना भी तो एक तरह से चाय पर बैन ही है। मिनिस्टर एहसान इकबाल की लोगों से की गई ये गुजारिश तब सामने आई जब पता चला कि साल 2021-22 तक पाकिस्तान की जनता ने 10-20-50 लाख नहीं, 10-20-50 करोड़ नहीं, पूरे 8,383 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की चाय पी डाली। अब माना उनके चाय पर खर्चे का नंबर बड़ा है, पर पब्लिक की ये बात भी गलत नहीं है कि चाय तो लोग अपने पैसों से खरीदते हैं और पीते हैं, तो इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना। कहेगा कि मिनिस्ट्री को लोगों से उनके दो वक्त की चाय छुड़वाने के बजाय कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लानी चाहिए जिससे चाय का कंजम्पशन खत्म हो जाए, जो वो आसानी से कर सकते थे अगर वो पहले से इस बात का ध्यान रखते। साफ शब्दों में कहूँ तो पाकिस्तान 2020 से ही चाय का सबसे बड़ा इम्पोर्टर था। अगर पाकिस्तान ने तभी कुछ कदम उठाए होते तो आज उन्हें ऐसी रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती। शायद यही वजह है कि मिनिस्ट्री के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में भड़कम मचा दिया था, जिसका असर सोशल मीडिया पे साफ नजर आ रहा है। नंबर 3, पकौड़े। पर पाकिस्तान सिर्फ चाय का दुश्मन नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पकोड़े और समोसे के साथ भी झगड़ा है। तभी तो 2016 में पाकिस्तान ने टैंग डिस्ट्रिक्ट में पकोड़े और समोसे दोनों को ही बैन कर दिया, जो उनके मुताबिक रमजान के उपलक्ष्य में था। लेकिन बैन तोड़ने वालों पर हवालात की हवा खाने तक की सजा रखी गई थी, और लोग जितने इस बात से नाखुश थे कि उन्हें उनके फेवरेट फूड खाने का मौका नहीं मिलेगा, उतने ही वहां पकोड़े और समोसे का बिजनेस करने वाले लोगों का भी बुरा हाल था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते वक्त एक शॉपकीपर ने कुछ ऐसा कहा था, आपको क्या लगता है, क्या रमजान में इस तरह से खाने की चीजों पर ही बैन लगा देना जायज? पर क्यों? हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।